जैन साथियों, कैसे हो? आपसे मैं स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे। फ्रेंड्स, जबकि अभी हाल ही में फॉर्म आए हुए हैं, इसमें दोस्तों आपकी सीटों की संख्या कितनी है, योग्यता आपसे क्या मांगी गई है, इसमें SC ST को छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और दोस्तों ये फॉर्म आप कब से फिलअप कर सकते हैं, फ्रेंड्स हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप फ्रेंड्स से फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो मैं कैसे समय ना लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने गूगल पे आ जाते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ फिलअप करना आपको sarkarirezult.com। फ्रेंड्स, आपको साइट ओपन कर लेनी है, तो मैं यहाँ पे गूगल सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देखिए sarkarirezult.com, तो मैं साइट ओपन कर लेता हूँ दोस्तों फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब्स UPPSC परी 2020 ACF RFO ऑनलाइन फॉर्म, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट UPPSC परी ACF RFO ऑनलाइन फॉर्म 2020। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए पोस्ट डेट 21 अप्रैल, मतलब दोस्तों आज की ये फॉर्म दोस्तों सबसे पहले, मतलब मैं आपको इसके बारे में सबसे पहले न्यूज दे रहा हूँ दोस्तों, फॉर्म आपके आज ही आए हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन बिगिन 21/4/2020, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 18/5/2020। दोस्तों जो है फॉर्म है आप आज से फिलअप कर सकते हो, यहाँ से देखिए 21/4/2020 से आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे फ्रेंड्स, मतलब आज से ही आपकी जो इसमें लास्ट डेट है फ्रेंड्स 18/5/2020 की है, ओके। और फ्रेंड्स बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, इसमें जनरल ओबीसी के लिए 125 रुपीज फीस है, SC ST के लिए 65 है, PH कैंडिडेट के लिए 25 है। PH कैंडिडेट गाइज वो होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है, उनके लिए इसमें 25 रुपीज फीस मांगी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको फीस पे है आप डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हो। अगर आप फॉर्म फिलअप घर पे कर रहे हो फ्रेंड्स, आपके पास ATM कार्ड हो या फिर आपके पास नेट बैंकिंग हो, आप अपना फीस पे आराम से कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स, अगर आपकी बात करूँ क्वालिफिकेशन के बारे में, यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, आपके पास दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके पास BA होनी चाहिए या फिर BA BSc BTech, आपने मतलब आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा आपके पास डिग्री होनी चाहिए इसमें। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो आपके पास फ्रेंड्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसमें, और नीचे देखिए फॉर ACF RFO बैचलर डिग्री इन साइंस। अगर आप फ्रेंड्स ACF RFO वाली पोस्ट फिलअप कर रहे हो फ्रेंड्स इस फॉर्म में, तो आपके पास दोस्तों बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए और साथ में साइंस भी आपके पास होनी अनिवार्य है इसमें, ओके। अगर मैं बात करूँ कि फ्रेंड एज लिमिट के बारे में, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपकी एज मिनिमम आपके पास 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम आपके पास 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर देखिए मैक्सिमम एज 40 साल, मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 21 साल। और इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, इसमें फ्रेंड्स SC ST को अलग से छूट दी गई है, ध्यान दीजिएगा SC ST को इसमें अलग से छूट दी गई है, 5-10 साल की आपको एज में कम से कम छूट मिलेगी SC ST कैंडिडेट को। और नीचे आइए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिटेल्स, टोटल आपकी दोस्तों इसमें 200 पोस्ट आपकी, काफी अच्छी आपके पास पोस्ट है दोस्तों ये। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम में, ठीक है, क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के आपके पास पोस्ट है यहाँ पे, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साइंस BSc होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप आपसे BCom मांगी गई है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोस्ट वाइज आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यार आपसे चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो मैं आपको फ्रेंड्स दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ऑफिसर की आपकी पोस्ट दी गई है, यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री मांगी गई है, इसमें सीनियर लेक्चरर की है यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप आराम से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा आप। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टैक्स असिस्मेंट ऑफिसर की पोस्ट आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यहाँ पे आपसे 55% मार्क्स मांगे गए हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और फ्रेंड्स नीचे आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको 21 समथिंग पोस्ट मिल जाती है इस पोस्ट को भरने में, मतलब कब को पोस्ट वाइज मिल जाती है इसमें, जबकि दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट 200 आपको मैंने बताई दी है अभी ऊपर आपने देखा था। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन, दोस्तों इस साइट पे आके ये फॉर्म आप आराम से फिलअप कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन के सामने दोस्तों आपको ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक हियर पे क्लिक करके आप दोस्तों फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो दोस्तों साइट ओपन हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक ऑफिशियल साइट है, इस साइट पे आके आप अपना फॉर्म फिलअप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और जिन मेरे फ्रेंड्स को ऑफिशियल नोटिस देखना हो तो दोस्तों नीचे आइए एक बार, पीछे हम बैक कर लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन,
आपको इंग्लिश में देखना है हिंदी में देखना है आप आराम से यहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इंग्लिश में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ओपन हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये अभी ओपन होने वाला है, अभी एक सेकंड वेट करें आप, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आप इस प्रकार अपना जो ऑफिशियल नोटिस है आप आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। कई स्टूडेंट को फेक भी लगता है, कुछ कहते हैं कि फेक वीडियो बनाते हो, भाई कोई फेक नहीं है भाई, जब हमको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाती तभी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ भाई मैं, ठीक है। आप फ्रेंड्स आराम से नोटिस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कुछ भी फिर भी कुछ डाउट लगे या फिर कुछ भी मुझसे बात पूछनी हो आप मुझे दोस्तों कमेंट कर सकते हो, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल, नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।